कहली बना रहे हो। ये बताओ हमको कि हमको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रही हो दिखाने, हम बीमार हैं। देखो अब इसको डाल के क्या करोगी? पहले हमको बताओ, हम बीमार हैं, आज हम 20 दिन से और बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तुम हमको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले तुम जा रहे बिस्तर पे हो? पड़े हुए हो कि बाइक लेके टहल रहे हो? बाइक लेके हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तुम जा रही हो कहीं? कोई एक और है बात जाने बताएं, वाला? तुमको जो है मन है रातन से हमको मारने का, सही बात नहीं, ये अच्छा तो है? तुमको मारे हम, बताओ। नहीं अभी मारे नहीं हो, लेकिन हाँ मार तो दो। मार दें। हाँ मार दो तो तुम्हारे ना पूरा हो जाए कोटा अच्छा आज ये वाला। बताओ हमको क्यों मारी तुम, हमारी किडनी क्यों खराब की? हमसे किडनी खराब हुई हाँ है। तुमने हमको खिला खिला के जहर मार डाला क्यों, बताओ? पहले हम जो पूछ रहे हैं हमको बताओ, हमको क्यों मारा तुमने? और अरे यार हम किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, ठीक है ना? ना हम तुम्हारी किडनी खराब किए हैं और ना हम कुछ कर रहे तुम्हारे हैं। तुम्हारे यहाँ खाना खाने से मेरी किडनी खराब हुई, तुम्हारे हाथ से खाने से हम बीमार हुए, और उसके बाद हम तुमसे कह रहे हैं कि चलो अस्पताल ले चलो, तो हमको अस्पताल कहीं दिखाने क्यों नहीं ले जा रही हो? हमको कह रहे बताओ हैं ना कि चल रहे हो लखनऊ तो चलो कब चल रही हो, अभी। कितने दिन से तुम कह रहे हैं अभी अभी अभी? हम तो रात में कह रहे थे कि तुम रात में नहीं रात रही। में कह लिया जाए, अच्छा जाओ, जाओगी तो तुम वहाँ हमारा इलाज तो कराओगी नहीं, वहाँ तुम्हारे लोग लगे रहेंगे, हमारा गलत ट्रीटमेंट करवाओगी। यही तरह तुम हमको वो चौधरी हॉस्पिटल में करवाई, यही तरह हमको कल वहाँ करवाई, क्या तुम्हारा बोलते मेरा हैं? तुम्हारा ले चलने का मन हो तो ले चलो, और ना मन हो हमको ले चलने का तो रहने दो, हम अपने घर चले जाएंगे, नहीं तुम नहीं कहीं भी रुकेंगे। चले जाओ, लेकिन तुमको किसी की जान लेने का अधिकार कैसे है? तुमको नहीं रहना है मेरे साथ तो मत रहो, हम ये तो हम कोई तुमसे तुमको नहीं कह रहे जबरदस्ती तो हैं, रखे नहीं है कि हम हम ये तुमको तो तुमसे बांध कह के रहे नहीं, रखें। हम ये तो तुमसे कह नहीं रहे कि हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ। नहीं तुम रहो या ना रहो, मुझको मार के इस तरीके तुम्हारा कोई से, हमको नहीं, इस तरीके तुमको से किसी की बात माननी है सुननी है। तुम आप स्वतंत्र हो ना, क्या स्वतंत्र और स्वतंत्र निरंकुश है? इंसान। क्या क्या निरंकुश, क्या स्वतंत्र हाँ है? नहीं, किसी को तुमको कहना मानना हमको ये है। बताओ हमारी तबीयत कितने दिन से खराब हुई, हाँ कितने दिन से? तुम्हारी तबीयत जो है सितंबर लास्ट से खराब हुई है, सितंबर लास्ट से अगस्त खराब हुआ हुई। या नवंबर चल हाँ रहा तब है। वीकनेस हुई तो हमको हाँ कहीं ले गई दिखाने? कहे नहीं ले गए तुमको कहाँ हम ले गई, दिखाने? कहाँ ले गई बताओ? कहे दिल्ली चलने को पहले कह रहे थे। दिल्ली चलने को नहीं कह रहे थे, दिल्ली चलने के लिए आए तुम दोनों भाई, हमसे मारपीट किए कि सामान कहाँ है तुम्हारा, हमारा सामान कहाँ है? हमारा सामान जो हमारी नानी का था वो तुम हमसे मांग रही थी और नहीं दिए, तो मारपीट करके दोनों लोग चले गए। मार के तुमको गए हम हैं। बिल्कुल मार रहे थे, इसका मोबाइल का शीशा फोड़ रहे थे वो। अच्छा अच्छा चलो, चलो तुम्हारा वीडियो बन गवा कि अभी नहीं, नहीं। वीडियो बनने दो। हमको ये बताओ तुम कि हमारा इलाज क्यों नहीं करा रही हो, कहाँ तुम हमको ले गई बीमार करने के बाद, किस डॉक्टर के पास ले गई बताओ हमको? हम चलते नहीं हैं। इलाज करवाए ना तो तुम्हारा, क्यों नहीं करवाई, नहीं करवाए। तो क्यों नहीं करवाना चाहती हो, तो हमको मारना क्यों चाहती हो ये बताओ? हम नहीं जानते क्यों नहीं मारना चाहते, हम किसी को मारना पीटना नहीं चाहते, और जबरदस्ती हमसे ना बुलवाओ, ठीक है हाँ ना? नहीं हमको मारना क्यों चाहती हो तुम, किसके कहने पे, बेटा रहने तो हम किसी के कहने से, किसके किसके कहने कहने से से कर फिर रही हो? वही कर रहे हो? फिर अब कहते हो कि हमका दुश्मनी नहीं बढ़ाओ का, फिर वही बात पे कर रहे हो, किसके कहने से हम करेंगे बताओ? तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम क्यों कर रही हो? हम तुम हमारी औरत हो, तुम जानती हो कि हमारे माँ नहीं है, बाप नहीं है, नाना नानी इस तरह, तो इसका फायदा उठाकर हमको बीमार करके मार डाल रही हो? हम भैया और नहीं क्या कर बीमार रही कर हो, रहे हैं तुमने, किसी तुम्हारे घर को। वालों ने तो बीमार किया, हम जितना बीमार हुए इन हाथों से खाकर बीमार हुए, इन हाथों से खाकर हम इस हालात में पहुंचे, हमको किसी दूसरे ने तो खिलाया नहीं, उसके बावजूद तुम हमको जो है चल करके वो अस्पताल नहीं ले जा रही हो? हम बीमार हालत में रोज मर रहे हैं, कहीं हमारा हार्ट जा रहा है, कहीं हमारी किडनी जा रही है, कहीं हमारा चेस्ट जा रहा है, और रोज रो रो के तुमसे कहते हैं कि चलो अस्पताल, तो तुम हमसे लड़ती हो, हम अभी चलने खाली को कह रहे हैं ना। अभी भी ये लड़ ही तो रही हो इस तरीके? कोई कहता चल ना, तुम पत्नी होती, तुम पत्नी इस तरीके की होगी, तुमको देख जा रहा है कि हम मर रहे हैं, खुशी मना रही हो बढ़िया, तुम्हारे घर वाले पकवान बनाते हैं, तुम बढ़िया लाल साड़ी नीली पहन के घूमती हो, क्या हमारा पति मरने वाला? पति का है का साला, पति की तो ये देखे हो बढ़िया, दुश्मनी निभा रही हो। अरे ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ गुनाह किए हम, ऐसा क्या गुनाह किए हम कि जो तुम हमको इस तरीके से? जाओ तो हम नहीं नहीं पहनेंगे हमको, साड़ी पाड़ी। हम ये नौटंकी ना करो, हमको सही बताओ, हम बीमार हमको क्यों नहीं ले जा रही हो, हमको तुम्हारे सिवा कोई एडमिट कराने वाला? हमको तुम्हारा ये सब नौटंकी ना करो, हमको ये बताओ, देखो कितनी बढ़िया नौटंकी करती है, कितनी बढ़िया नौटंकी करती है, हमको इस बात का जवाब दो कि मेरे माँ बाप नहीं है और तुम मेरी पत्नी हो, मुझको तुम क्यों अस्पताल में एडमिट नहीं करा रही, मुझको इस बात का जवाब दे दो। अस्पताल वाले तुमको एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हम? अस्पताल वाले कैसे नहीं करेंगे, तुम कहाँ खड़ी होकर कही कि चलो इनको एडमिट करो एक अस्पताल बताओ, जहाँ तुमने कहा हो सरकारी में, प्राइवेट में, या कहीं पर भी इनको एडमिट करो, कहाँ तुमने कहा है बताओ?
कहीं तुम खुद ही कह रहे हैं कि एडमिट की जरूरत नहीं है, कौन तो हम जबरदस्ती करवा दे तुमको एडमिट। हम बीमार हैं, कौन सा अस्पताल कह रहा है एडमिट करने की जरूरत नहीं। हम सरकारी में गए, उसने कहा अपने गार्जियन को बुला के लाओ, अपनी बीवी को। हम वहाँ गए इलाहाबाद में, उसने भी कहा अपनी बीवी को बुला के लाओ। और हम कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, माँ बाप है नहीं मेरे, मेरी तुम बीबी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मेरे साथ कहीं खड़ी नहीं हो रही हो, ना बिना किसी टीमरदार के ना कोई अस्पताल ले रहा है। चलो हम खड़े हो रहे हैं, चलो जहाँ एडमिट होना है। अभी अभी तक तुमने मुझको कहाँ एडमिट कराया? आज मैं 2 महीने से मेरा किडनी, किडनी के साथ लीवर और हार्ट तीनों डैमेज हो गया। अब मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन मेरे जिम्मेदार मरने के तुम हो। हाँ ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही हो, मुझको क्यों मार रहा तुमने? हम नहीं मार पीट रहे हैं, सवेरे सवेरे लड़ो नहीं हमसे। खिला खिला के मुझको बीमार कर दिया, उसके बाद मुझको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रही हो, मुझको ये बताओ क्यों नहीं ले जा रही हो? एक बिटिया है, इसको भी नहीं सोची तुम? इसको तब को लेकर के दुनिया की जगह ना चाहिए, अहमदाबाद से दुनिया की जगह हमको मारने के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कहती हो? बिटिया है, अस्पताल ले जाने के लिए दुनिया कहती हो? अहमदाबाद हम ना चाहे, अहमदाबाद हम अपने से नाचने गए, बिल्कुल अपने से नाच, मौसी से नहीं कहे कि ना ना, हम पहले कहे थे, अभी नहीं कहे थे। अभी तो तुमने चाल थी, बस एक बार में बोले तो तुम तुरंत टिकट करा के पैसा ला के लेके चल दी। उस बिटिया की भी नहीं सोची इतनी दूर है, हम तो इलाज के लिए परेशान थे, डर रहे। हम टिकट करवाए हैं कि तुम सुबह से कहे हो कि टिकट कर दो मेरी। सुबह से तुम पहले भी बहुत बार कहे हैं, हजारों बार कहे, तो हम कौन से टिकट कर दिए? ई वाली कैसे कर दिए हमको बताओ? शुभम से तुम बालाजी से भी कहे थे टिकट कर दो, उससे पहले भी कहे थे कि हमारा कर दो, कौन से टिकट किए थे? ये वाले तो फट्टे कर दिए। हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, हमारी किडनी में दर्द हो रहा है। अगर मुझको कुछ होता है तो तुम्हारा परिवार जिम्मेदार है। मैं बरसई गया था, वहाँ से खा के बीमार हुआ हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार मैं मर रहा हूँ, मरूँगा तो इसका जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार है। ऑनलाइन भाइयों दोस्तों, मेरा नाम धीरज पांडे है, ये मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता कोई नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने मुझको खला के बीमार कर दिया और मैं मर रहा हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल चलो, ये हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे, मैं इसी घर में पड़ा पड़ा मर जाऊँगा, क्योंकि मैं शरीर से लाचार हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, और ये बढ़िया बैठ के घूम रही हैं, ऐश कर रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं मेरे मरने का। अब दोस्त भैया आप लोग बताओ मैं क्या करूं, मैं अकेला जीव हूं और मैं मर रहा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। दोस्तों कोई मेरी मदद करो, मुझको हॉस्पिटल पहुंचाओ, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं है, मैं मर जाऊंगा। ना यहां का कोई हॉस्पिटल, इनके बड़े बड़े लोग जो है वो मुझको किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दे रहे, इनके पास मेरा पारिवारिक और इधर उधर का सपोर्ट है, ये मुझको एडमिट नहीं होने दे रहे हैं। कोई भाई मेरी मदद करो, ये देख लो ये मेरी औरत है, मेरी बिटिया है, और ये बिटिया तक कोई नहीं कुछ करती है। हाँ दोस्तों भैया, मेरा योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से और समस्त भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि मेरा इलाज करवाया जाए। मेरे नाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, वो बेचारे लाचार हो गए हैं, लक्ष्मी नारायण दुबे जी, मैं उनका नाती हूँ, सूर्यनारायण दुबे का। प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई भाई मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किडनी ख़राब है, मेरा लीवर ख़राब हो रहा है, मेरा हार्ट ख़राब हो गया है, और वो भी सब इसने दवा, ऐसी जहरीली दवा खिला खिला करके बीमार कर दिया मुझको मारने के लिए, और मैं मर रहा हूँ, मुझको हॉस्पिटल नहीं ले जा रही है। ये इसका परिवार, इसके फूफा कुंडा के, इन तीनों लोगों ने मिल करके ऐसा किया है मेरे साथ। हाँ